हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज दिस इज दिव्या आई श्यू आप सीख रहे हैं फास्ट फास्टैग टू कंप्यूटर एप्लीकेशन कॉर्ड नंबर 165 क्लास नाइन का लेसन टेन जिसका नेम है एमएस पावर पॉइंट आप प्रेजेंटेशन टूल और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हम जानेंगे अदर फाइल ऑपरेशन एंड स्लाइड व्यूज अदर फाइल ऑपरेशन में हम जानेंगे किस तरह से हम एक आ, सेव की हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं क्लॉज कर सकते हैं और साथ में किस तरह से हम प्रेजेंटेशन से एग्जिट कर सकते हैं ये भी हम इसी में जानने वाले हैं फर्स्टली so so जानते हैं अदर फाइल में कुछ अदर जो कॉमन फाइल ऑपरेशन हैं उनकी लिस्ट यहाँ टेबल में दी गई है उसे समझ लेते हैं वन बाय वन फर्स्टली हम देखते हैं ओपनिंग अव प्रेजेंटेशन एक सेव की गई प्रेजेंटेशन को ओपन करना सीख लेते हैं तो उसमें यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एंड सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करते हैं देन Uh, वहां हमारे सामने कुछ ऑप्शन की एक लिस्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें से हमें ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपेयर और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा देन नेक्स्ट स्टेप होगा सेलेक्ट द प्रेजेंटेशन फाइल दैट यू वॉन्ट टू ओपन अब आपको वो फाइल सेलेक्ट करनी है जिसको आप ओपन करना चाहते हैं देन लास्ट स्टेप होगा क्लिक ऑन द ओपन बटन फाइल सेलेक्ट करते ही आपके सामने एक ओपन बटन आ जाएगा डायलॉग बॉक्स में ही तो वहाँ ओपन बटन पर आपको क्लिक करना होता है योर सेलेक्टेड प्रेजेंटेशन फाइल विल ओपन और जैसे ही आप ओपन बटन पर क्लिक करते हैं तो डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा और आपके सामने सेलेक्ट की गई प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी सो so, इस तरह से हम एक सेव की गई प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाता है क्लोजिंग द प्रेजेंटेशन विंडो जैसे हमने कोई प्रेजेंटेशन ओपन की हुई है उसे हम क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे ये जान लेते हैं फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन हमें फिर से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करना होगा फ्रॉम द मेन्यू दैट ओपन सेलेक्ट द क्लोज ऑप्शन जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू ओपन हो जाएगा उस मेन्यू में से हमें क्लोज ऑप्शन सेलेक्ट uh, करना होता है मीन्स उसमें एक लिस्ट होती है जिस लिस्ट में से हमें क्लोज ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है देन सेकेंड स्टेप आ जाता है इफ़ द प्रेजेंटेशन कंटेन्स एनी अनसेव चेंजेस यदि प्रेजेंटेशन में कुछ आपने चेंजेस किया है और आपने उसे सेव नहीं किया है यानी वो अनसेव्ड है वो कंटेंट तो क्या होगा पावर पॉइंट विल सेव करने के लिए कहेगा अदरवाइज द प्रेजेंटेशन विंडो विल क्लोज अदरवाइज यदि आपने उसे ऑलरेडी सेव कर दिया है कंट्रोल एस प्रेस करके या फिर फाइल में जाकर सेव कर दिया है तो तब ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा तभी आपसे सेव करने को नहीं कहेगा अदरवाइज आपको क्या करना होगा आपको जैसे ही सेव करेंगे और अनसेव्ड चेंजेस है तो उसको सेव करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसमें आपको सेव पर क्लिक करना होता है इस तरह से आप अपनी अनसेव्ड चेंजेस को सेव कर सकते हैं और साथ ही साथ पावर पॉइंट से बाहर निकल सकते हैं उसे क्लोज कर सकते हैं देन एग्जिटिंग पावर पॉइंट एग्जिटिंग पावर पॉइंट क्या है पावर पॉइंट से एग्जिट करना है तो वो कैसे होगा उसके लिए स्टेप्स होता है फर्स्ट स्टेप है क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन फिर से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर ही हमें क्लिक करना होता है फ्रॉम द मेन्यू सेलेक्ट द एग्जिट पावर पॉइंट ऑप्शन तो जैसे ही मेन्यू ओपन होगा तो उसमें एग्जिट ऑप्शन होगा उसे सेलेक्ट करना होता है देन सेकेंड स्टेप में पावर पॉइंट विल प्रॉम्प्ट यू टू सेव एनी अनसेव चेंजेस देखिए एग्जिट करें या क्लोज करें दोनों टाइम पावर पॉइंट आपको याद दिलाएगा कि भाई आपने कुछ चेंजिंग किया है और इसे आप सेव कर लीजिए तो आप इसे यहाँ से सेव कर सकते हैं इफ देर आर नो अनसेव चेंजेस यदि कोई अनसेव चेंजेस नहीं किया है कोई अनसेव्ड है ही नहीं सब कुछ सेव कर चुके हैं आप सो पावर पॉइंट विल क्लोज एंड यू विल एग्जिट पावर पॉइंट तो पावर पॉइंट उसे क्लोज कर देगा और आप पावर पॉइंट से एग्जिट हो जाएंगे तो so इस तरह से आप प्रेजेंटेशन को क्लोज कर सकते हैं और पावर पॉइंट से एग्जिट कर सकते हैं अब इन स्टेप्स को मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली करके समझा देती हूँ तो उसके लिए हम पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं विंडो बटन प्रेस करके हम पी और डब्ल्यू प्रेस करेंगे देखिए पावर पॉइंट टू आ चुका है इस पर हम क्लिक कर देते हैं या एंटर पर भी कर सकते हैं ना पावर पॉइंट ओपन हो चुका है यहाँ से हम एक न्यू फाइल ले, ले लेते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन इस पर हम क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पर हम कुछ टाइप कर लेते हैं देखिए मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है चलिए मैं यहाँ पर जीके एस के लिख देती हूँ ये लिख लिया है नाउ हम इसको सेव कर लेते हैं तो फाइल में जाएंगे हम देखिए ये पावर पॉइंट टू है इसलिए इसमें आ, आपका जो ऑफिस बटन है वो नहीं आएगा यहां पर फाइल मेन्यू अलग से दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ सेव ऑप्शन आ रहा है एंड देन हम यहां पर इसे लोकेशन दे देंगे तो मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स में इसको सेव कर देती हूँ और इसको नाम दे देते हैं हम के एल एंड सेव ये देखिए ये के एल नाम से यहां आप देखेंगे टाइटल बार में के एल आ चुका है पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन है उसका नाम नाउ इसको क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा हमें फाइल में जाना होगा फाइल टैब में नाउ इसे हम क्लोज करना चाहते हैं पावर पॉइंट की स्लाइड को तो इसके लिए हम क्या करेंगे फाइल में जाएंगे एंड देन यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर क्लोज का ऑप्शन आ रहा है तो so, इस पर हम क्लिक कर देंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए पावर पॉइंट की जो स्लाइड है वो क्लोज हो चुकी है मीन्स जो हमने प्रेजेंटेशन बनाई थी वो क्लोज हो चुकी है देखिए मैंने अभी आपको बुक में समझाया था क्लोज और एग्जिट में क्या डिफरेंस होता है क्लोज में हम सिर्फ पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है उसे क्लोज कर पाएंगे बाहर नहीं जा पाएंगे लेकिन एग्जिट ऑप्शन जो होता है वो पावर पॉइंट से बाहर निकलने का बताया गया है बट ऑफिस 2016 में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है देखिए हम फाइल में जाकर देखते हैं यहाँ पर एग्जिट का आप ऑप्शन नहीं देखेंगे केवल का ऑप्शन है सो so, यदि आप 2007 पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं तो आप उसमें यूज कर सकते हैं या पावर पॉइंट टू है उसमें भी आई थिंक है सो so, वहां पर एग्जिट ऑप्शन आ सकता है बट यहां पर नहीं है यहां पर एग्जिट करने के लिए आपको कट ऑप्शन पर ही क्लिक करना होता है कॉर्नर पर कट होता है इससे आप क्लोज कर सकते हैं पूरी ही फाइल को तो क्लोज और एग्जिट में ये डिफरेंस होता है अभी हम यहां पर ओपन करना और सीख लेते हैं कि पावर पॉइंट की स्लाइड को ओपन कैसे करना है या पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को ओपन कैसे करना है स्लाइड को तो हम प्रेजेंटेशन ओपन करने के बाद ही ओपन कर पाएंगे सो यहां पर हम फाइल में जाएंगे एंड देन ओपन पर जाएंगे और ओपन में आप देखेंगे कि यहां पर ओपन पे ऑलरेडी हम हैं बाई डिफॉल्ट तो यहां पर आप देखेंगे कि आज की फाइल दिखा रहा है ये केयल डॉक्यूमेंट यदि हमें यहां नहीं मिल पाती किसी और दिन हम खोलते हैं तो हमें उसके लिए अपने ब्राउज में जाना होगा ब्राउज ऑप्शन में जाएंगे और

पावर पॉइंट में स्लाइड व्यूज आपकी प्रेजेंटेशन को एडिट करने फॉर्मेट करने सॉर्ट करने प्रिंट करने या डिलीवर करने में आपकी सहायता करते हैं स्लाइड व्यूज के द्वारा आप ये सभी अपनी प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं दीज व्यूज कंट्रोल द वे द स्लाइड्स आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ये व्यूज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाली स्लाइड्स के तरीकों को कंट्रोल करते हैं देर आर मेनी व्यूज इन विच अ सेट ऑफ स्लाइड्स कैन बी व्यूड कई तरीके होते हैं देखने के व्यू करने के व्यू क्या होता है देखना स्लाइड्स को देखना तो जो हमारी स्लाइड है उसे व्यू करने के कई तरीके होते हैं जिसमें आप अपनी स्लाइड के सेट को व्यू कर सकते हैं या एक प्रेजेंटेशन को व्यू कर सकते हैं यू कैन एक्सेस टू एनी ऑफ द स्लाइड व्यूज फ्रॉम दीज टू प्लेसेस आप दो तरीके से स्लाइड व्यूज को एक्सेस कर सकते हैं जिसमें पहला तरीका है क्लिक ऑन द व्यू टैप व्यू टैप पर क्लिक करते हैं द स्लाइड व्यू कमांड बटन आर लोकेटेड इन द प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप एश ऑन ग्लो जैसा कि नीचे दिखाया गया है कि आप प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में जाकर अपने स्लाइड व्यू के कमांड बटन्स को जो वहां पर होते हैं उनसे अपनी स्लाइड को व्यू कर सकते हैं तो देखिए यहां पर दिखा दिखाया गया है व्यू बटन्स इन द व्यू टैब ये व्यू टैब ओपन किया हुआ है यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप आ जाता है जिसमें आप स्लाइड्स को अलग-अलग तरीके से व्यू कर सकते हैं सेकंड मेथड है थ्री मेन व्यू बटन्स नॉर्मल स्लाइड सॉल्टर एंड स्लाइड शो आर लोकेटेड ऑन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ पावर पॉइंट विंडोज एशोन ग्लो जैसा कि नीचे दिखाया गया है पावर पॉइंट के बॉटम में राइट right कॉर्नर पे ये देखिए ये पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन आ जाता है इसका राइट कॉर्नर ये आ जाता है इस राइट right कॉर्नर में थ्री मेन व्यू बटन होते हैं जिसमें पहला बटन होता है नॉर्मल व्यू बटन सेकेंड होता है स्लाइड सॉर्टर एंड थर्ड होता है स्लाइड शो जो कि व्यू बटन्स में होते हैं वही बटन्स थ्री मेन बटन्स यहाँ नीचे आ जाते हैं इनके द्वारा भी आप अपनी स्लाइड को व्यू कर सकते हैं तीन तरीके से नॉर्मल व्यू uh, में भी देख सकते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू में भी देख सकते हैं और स्लाइड शो व्यू में भी देख सकते हैं सो so, ये दो तरीके होते हैं अपनी स्लाइड को देखने के

नॉर्मल व्यू जो होता है वो एक मेन एडिटिंग व्यू होता है जिसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिजाइन भी कर सकते हैं व्हेन वी ओपन अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन इट बाय डिफॉल्ट ओपन इन द नॉर्मल व्यू जब हम एक नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन अपने पावर पॉइंट में ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू में ही ओपन होता है इन दिस व्यू द पावर पॉइंट स्क्रीन इज डिवाइडेड इंटू थ्री पेंस इस व्यू में पावर पॉइंट की जो स्क्रीन होती है वो थ्री पेंस में डिवाइड होती है फर्स्ट uh, जो पोर्शन होता है वो होता है स्लाइड या आउटलाइन पेन ऑन द लेफ्ट लेफ्ट में जो होता है वो स्लाइड या आउटलाइन पेन होता है द स्लाइड पेन इन द सेंटर और सेंटर में जो होता है वो स्लाइड पेन होता है एंड द नोट्स पेन एट द बॉटम ऑफ द विंडो और विंडो के जो बॉटम में होता है वो नोट्स पेन होता है तो इस तरह से नॉर्मल व्यू में हम तीन अलग अलग पेन्स में अपनी स्लाइड को मेंटेन कर सकते हैं पहले वाले को लेफ्ट में हम आउटलाइन स्लाइड को एक शॉर्ट स्मॉल उसमें देख सकते हैं एंड स्लाइड पेन सेंटर में हम अपनी स्लाइड को थोड़ा बिग साइज में देख सकते हैं और नीचे जो भी नोट्स लिखे होते हैं वो देख सकते हैं सो so, ये होता है नॉर्मल व्यू नाउ स्लाइड शॉर्टर व्यू के बारे में जानते हैं इन द स्लाइड शॉर्टर व्यू द स्लाइड्स आर डिस्प्लेड इन दमनल्स फ्रॉम स्मॉल वर्जन जो स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है उसमें हम अपनी स्लाइड्स को थमनल फॉर्म में यानी स्मॉलर वर्जन में डिस्प्ले कर पाते हैं मीन्स स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या करता है आपकी जो जितनी भी स्लाइड्स बनी होती हैं उन्हें थर्मनल्स में डिस्प्ले कर देता है दिस व्यू मेक्स इट्स इजी टू सॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज द सीक्वेंस ऑफ स्लाइड्स और ये व्यू क्या करता है ये व्यू आपकी स्लाइड्स को सिक्वेंस में सॉर्ट और ऑर्गेनाइज करके उसे आसान बना देता है यू कैन ईजिली रीऑर्डर डिलीट कॉपी और मूव द स्लाइड्स आप इसमें जो ये स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है इसमें आप अपनी स्लाइड को आसानी से रिओर्डर कर सकते हैं डिलीट कर सकते

जो नोट्स पेन होता है वो स्लाइड पेन में नीचे की साइड लॉकेट होता है यू कैन टाइप नोट्स दैट अप्लाई टू द करंट स्लाइड्स आप नोट्स टाइप करके उन्हें करंट स्लाइड पर अप्लाई कर सकते हैं लेटर यू कैन प्रिंट योर नोट्स एंड रेफर टू देम दैम यू गिव योर प्रेजेंटेशन और आप इन नोट्स को बाद में प्रिंट भी कर सकते हैं और जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तब उन्हें रेफर भी कर सकते हैं यू कैन ऑल्सो प्रिंट नोट्स टू गिव योर ऑडियंस आप अपनी ऑडियंस को नोट्स देने के लिए प्रिंट भी कर सकते हैं सो so, इस तरह से नोट्स पेज व्यू होता है हमारी प्रेजेंटेशन में नोट्स को दिखाने के लिए जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तब भी हमारी हेल्प करते हैं और साथ में अपनी ऑडियंस के लिए वहीं के वहीं नोट्स को प्रिंट भी करा के दे सकते हैं नाउ नेक्स्ट आ जाता है मास्टर व्यूज मास्टर व्यूज क्या होता है द मास्टर व्यूज इंक्लूड द स्लाइड मास्टर हैंडआउट मास्टर एंड नोट्स मास्टर व्यू जो मास्टर व्यू होता है उसमें स्लाइड मास्टर हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर व्यू इंक्लूड होते हैं दे आर द मेन स्लाइड्स दैट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द थीम कलर्स थीम फोंट्स थीम इफेक्ट्स बैकग्राउंड प्लेसहोल्डर एटसेट्रा ऑफ द प्रेजेंटेशन और ये मेन स्लाइड होती हैं जिनमें आपकी जो प्रेजेंटेशन की थीम कलर होते हैं थीम फोन्ट्स होते हैं थीम इफेक्ट्स होते हैं उसकी बैकग्राउंड होती है प्लेस होल्डर होते हैं ये सभी आपकी प्रेजेंटेशन की इन्फॉर्मेशन इनमें स्टोर होती है दिस व्यू अलाउज यू टू मेक यूनिवर्सल स्टाइल चेंजेस टू एवरी स्लाइड नोट्स पेज और हैंड आउट एसोसिएटेड विद योर प्रेजेंटेशन यह व्यू आपकी प्रेजेंटेशन के साथ जुड़े हुए स्लाइड नोट्स पेज और हैंड आउट को जो यूनिवर्सल स्टाइल होता है उसको चेंज करने की अनुमति देता है नाउ हैंड आउट आर द प्रिंटेड कॉपीज ऑफ द स्लाइड्स देखिए यहाँ पर डू यू नो में बताया गया कि हैंड आउट क्या होते हैं हैंड आउट आपकी स्लाइड्स के प्रिंटेड कॉपी होते हैं मीन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द ऑडियंस फॉर देयर रेफरेंस एंड फीडबैक और ये इसलिए लिखे जाते हैं ताकि आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में उसकी फीडबैक ले सकें और रेफरेंस ले सकें अपने ऑडियंस से तो उनके बीच डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं नाउ आगे बताया गया है लास्ट व्यू है स्लाइड शो व्यू द स्लाइड शो व्यू इज यूज टू डिलीवर द प्रेजेंटेशन टू द ऑडियंस स्लाइड शो व्यू का यूज ऑडियंस के लिए प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के लिए यूज किया जाता है वेन यू रन द स्लाइड शो ऑफ यूर प्रेजेंटेशन द स्लाइड आर डिस्प्लेड इन फुल स्क्रीन मॉड जब आप अपनी स्लाइड शो जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड शो होती है उसे रन करते हैं तो ये फुल स्क्रीन में डिस्प्ले कर दी जाती है तो वो जो फुल स्क्रीन में डिस्प्ले होती है वो स्लाइड शो व्यू के द्वारा होती है और कोई व्यू इसे प्रेजेंटेशन को इस तरह से डिस्प्ले नहीं कर सकता तो ये क्या करता है स्लाइड शो व्यू ये आपको ऑडियंस को प्रेजेंटेशन देने में आपकी सहायता करता है अब इन व्यूज को हम प्रैक्टिकली थोड़ा समझ लेते हैं उसके लिए हम पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पावर पॉइंट की एक फाइल हमारी ओपन है उसे हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से एंड व्यू टैब में अब हम यहाँ से जाएंगे देखिए ये व्यू टैब है इस पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन व्यू आ रहा है ये प्रेजेंटेशन व्यू जो होता है इसमें नॉर्मल व्यू जो कि आप अभी देख रहे हैं ये प्रेजेंटेशन व्यू है मीन नॉर्मल व्यू है इसके अंदर आपका ये लेफ्ट पेन आ जाता है और ये सेंटर पेन है और इसी में नोट्स पेज भी आ जाते हैं ये देखिए यहां पर ये नोट्स का पेन खुल जाता है जैसे हम यहाँ नोट्स पर क्लिक करते हैं देखिए बिल्कुल बॉटम में आप देखेंगे और जैसे मैं इन पर क्लिक करूंगी तो यहाँ से नोट्स बंद हो जाएगा ये देखिए जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे और इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ भी टाइप सकते कर सकते हैं नोट्स तैयार कर सकते हैं नाउ सेकेंड आ जाता है आउटलाइन व्यू आउटलाइन व्यू में आप यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन को जो हमारा पेन होता है वो बड़ा हो जाता है और ये जो सेंटर पेन है ये छोटा हो जाता है देखिए नॉर्मल पेन में हमारा जो सेंटर पेन है वो बड़ा रहता है और यहाँ पे हम एक दो स्लाइड और एंटर कर लेते हैं तो मैं यहाँ होम में जाकर न्यू स्लाइड इंसर्ट कर देती हूँ ये देखिए मैंने एक और स्लाइड यहाँ थ्री स्लाइड हमने इंसर्ट कर ली है नाउ हम व्यू टैब में अगेन जाते हैं एंड आउटलाइन व्यू हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर ये स्लाइड्स दिखा रहा है और इस तरह से आप यहाँ से इस पेन में स्लाइड को देख सकते हैं इस पेन को ये बड़ा कर देता है और आउटलाइन व्यू में हम अपनी स्लाइड्स को देख सकते हैं देखिए यहां पर फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड एंड थर्ड स्लाइड ये दिखा रहा है जैसे हम जाएंगे तो ये उसी उसी स्लाइड को चेंज करता चला जाएगा स्लाइड शोटर में ये हमारी सभी स्लाइड्स को एक ही बॉक्स के अंदर ले आता है और जितनी भी स्लाइड्स होती हैं वो सभी आती चली जाती हैं और यहाँ पर वन बाय वन दिखाता चला जाता है जिस पर भी हम क्लिक करेंगे वही स्लाइड हमारी डबल क्लिक करते ही ओपन हो जाएगी ना हम नॉर्मल व्यू कर देते हैं से एंड देन नोट्स नोट्स पेज पेज व्यू में जो भी आप नोट्स लिख रहे हैं उस स्लाइड के बारे में वो यहां पर आते चले जाएंगे देखिए जैसे हमने यहाँ फर्स्ट स्लाइड पर क्लिक किया और अब हम इसका नोट्स पेज व्यू देखेंगे तो हमने कुछ टाइप किया था देखिए यहां पर ये नोट्स पेज व्यू आ रहा है जैसे जैसे हम नोट्स लिखते जाएंगे तो पूरा नोट्स पेज फुल हो जाएगा एंड रीडिंग व्यू होता है जिसमें हम अपनी स्लाइड को रीड कर सकते हैं हमने उसमें क्या लिखा है और क्या क्या आ रहा है उसमें लिखा हुआ वो सभी हम बहुत क्लियरली फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां से हम कट करेंगे तो ये सेव कहेगा कि सेव करना चाहते हैं आप फाइल को लेकिन हम कैंसिल करेंगे और एस्केप बटन प्रेस करेंगे जिससे हम अपने इस व्यू से बाहर आ जाएं जो रीडिंग व्यू है उससे हम बाहर आ जाएंगे ये देखिए हम रीडिंग व्यू में जाएंगे और यदि हमें वापस आना है तो हमारे की में जो फर्स्ट बटन होता है सबसे ऊपर एस्केप जो कि लेफ्ट साइड में होता है उस पर हम क्लिक करेंगे और हम बाहर आ जाएंगे उस व्यू से